साल की कहानी है। बेबाक अंदाज ही उनकी स्टाइल है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अनगाइडेड मिसाइल हैं। वो कहते हैं मेरी सियासत सच्ची है, मगर उन्हें जानने वाले कहते हैं ना उनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, लोग कहते हैं आजकल बस मंत्री बनने की पड़ी है। जोरदार थालियों से स्वागत करिए सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के विधायक, पूर्व मंत्री। तालियों के साथ एनडीए गठबंधन के साथी जो करते हैं सियासी गुणा भाग दिन भर, टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत है सर आपका, स्वागत है। हमारे 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। ओम प्रकाश जी आइए प्लीज विराजे। ओम प्रकाश जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, ये आपका ही बयान था जी। अब तो बीजेपी के साथ हैं आप जी। मन बदल गया या भगवान ही बदल गए? देखिए चुनाव के समय कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अस्त्र चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में आवे। तो चुनाव के ये तीर हैं जो आप सुना रहे हैं। चुनावी तीर जो आप सुना रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जानना मैं ये चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति है आप में कि जो सत्ता में रहता है आपको अपने साथ रखना चाहता है? इसका एक ही जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का पावर दिया है, वोट। देखिए उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में 28 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50,000 से लेकर 2,00,000 तक वोट ओम प्रकाश राजभर के पास कुवत है, इनके नेताओं के पास कुवत है वोट दिलाने की। और आज हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम अपना आंदोलन धीरे धीरे इतना कर लिए हैं कि हर लोकसभा में हम 30,000, 40,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक वोट दिलाने की हैसियत है। इसी वोट के नाते जो चुंबक लगता है सबका, इसी वोट के लिए चुंबक लगता है। तो मुझे एक बात बताइए, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं, ये किसी भी नेता को बताने के लिए कागज ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन आप एक सांस में धारा प्रवाह बता देते हैं, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में अहिर, गड़ेरी, कुनबी, कोयरी, भर, चमार, मुसार, धोबी, खटिक, पासी, केवट, बिंद, मलाह, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख सैयद, पठान, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, विश्वकर्मा, लोहार, ये तमाम जातियां हैं। और नेताओं के दिमाग में 10-12 जातियां आती हैं, नेताओं के दिमाग में 10-12 जातियां आती हैं, उसके बाद किसी को जानते नहीं। और नेताओं से पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं तो बताते हैं 75। आप पूछिए गिनिए तो अंगुरी पे बताना शुरू करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आप बताइए जरा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, आपके चित्रकूट, बांदा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालन, उरई, आपके इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये उत्तर प्रदेश के घूम करके हमने जो अध्ययन किया है उन जिलों में तब हम इसको बताते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो वैसे कमाल कर दिया, एक बार फिर से जोरदार तालियां उसके लिए आपने। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप कहीं टिकते क्यों नहीं है? बीजेपी के साथ पहले 11 महीने रहे, समाजवादी पार्टी तो 8 महीने में ही आपका मन भर गया, पलक झपकते ही दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं आप। नहीं देखिए, बीजेपी के साथ मैं गया था 2002 में ही, मैंने बता दिया था कि बीजेपी के साथ समझौता करूंगा, कहीं सरकार में जाऊंगा लेकिन कम दिन रहूंगा। उसके पीछे हमारी जो सोच है लोगों को विश्वास दिलाना, राजनीति में नेताओं से जनता का विश्वास उठ गया एक तरह से। बहुत नाम लीजिए नेता का तो जनता जैसे लगता है कि वो गाली देने का मन अंदर अंदर करती है। तो पहले तो अपने को हम भरोसा अपने वो लोगों को दिलाने के लिए हमने जिस मुद्दे को लेके हम आए तो उस मुद्दे को माननीय अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई थी, उस समय वो माथुर जी प्रभारी जी थे। ये जरा किस्सा बताइए, आप एनडीए में कैसे आए? कहते हैं अमित शाह जी का आपको फोन आया, कहा ये जा रहा है कि 2 लोकसभा सीट और यूपी में मंत्री पद की कोई डील हुई है, क्या ये बात सही है? नहीं सर, देखिए 15 महीना पहले फोन आया अमित शाह जी का कि कहाँ हो, हम कहे कि मैं तो बनारस हूँ।
तो कहें कि दिल्ली आ सकते हो, हम कहे बिल्कुल आ सकते हैं दीपावली, ये होली का दिन था। तो मैं चला गया और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इस बात को कि मैं तो नहीं चाहता था कि आप हमारा साथ छोड़ो, लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ, कुछ हमारी पार्टी की गलती थी, कुछ आपकी भी गलती थी, चलो हम दोनों लोग मिल के अब आगे लोकसभा में साथ रहा जाए। तो हमने कहा ठीक है, देखा जाएगा। फिर मैं चला आया, आने के बाद संयोग से चुनाव आया राष्ट्रपति का। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो पहला फोन आया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, फोन आया तो उन्होंने कहा कहाँ हो भाई राजभर जी, हम कहे कि हम तो लखनऊ हैं, तो कहें कि आओ आपसे बात करनी है। तो मैं चला गया, बगल में ही रहता था, मैं चला गया तो चाय पानी हुआ, उसके बाद बात शुरू हुई, हालचाल हुआ, पार्टी के विषय में उन्होंने पूछा, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो आप पिछड़े और दलित की बात ज़्यादा करते हो और हम लोग आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो आपके पास 6 वोट हैं, तो 6 विधायक हैं, तो आप वोट दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम अपने 6 विधायकों से बातचीत करके हम आपको शाम तक या कल तक बता देंगे। कहा ठीक। फिर वहाँ से हम आए तो फिर फोन आ गया अमित शाह जी का, पहले आया फोन धर्मेंद्र प्रधान जी का, फिर उसके बाद फोन अमित शाह जी का आया, कहाँ हो, हम कहे हम तो हैं लखनऊ, कहें तो कल सुबह आ जाओ दिल्ली। मैं दिल्ली चला गया, बातचीत हुई, कहाँ वोट देना है, हम कहे बिल्कुल देना है। आपकी डील नहीं हुई, मतलब ये जो लोकसभा सीट और मंत्री पद वगैरह? नहीं, कोई डील नहीं है। देखिए ताकत, दुनिया ताकत आपको को कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए? देखिए जब चाहिए तो जरूर, ऐसा तो है नहीं। अच्छा तो ये बताइए मंत्री पद चाहिए आपको? देखिए हमने मांगा नहीं है, सच तो आपको बता दूं, मांगा उससे जाता है जो ना दे, जो खुद देने के लिए तैयार है तो उसे क्या मांगा जाए? मतलब वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। नहीं लेकिन अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात है, अब तक तो मंत्री बनाया नहीं गया है, आपको उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी से कह रहे हैं कि जल्दी इन्हें मंत्री बनाओ वरना फिर पलटी मार देंगे। देखिए शिवपाल जी पलटी मारने के माहिर हैं, आपने देखा कि एक बयान माननीय मुलायम सिंह जी का मैंने देखा है, सुना है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये अपने बाप का नहीं हुआ और चाचा को भी मंत्री पद से हटा दिया, ये किसी का नहीं हो सकता है। शिवपाल जी अलग हुए, पार्टी बनाए। नहीं लेकिन शिवपाल जी तो आपके लिए कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, शिवपाल जी मेरे लिए कह रहे हैं, शिवपाल जी की यहाँ समझौता कराने के लिए कम से कम उनके आवास पर 2500 बार मैं खुद गया हूँ, ओवैसी जी को लेके, चंद्रशेखर जी, चाचा भतीजी की सुलह आपने कराई? फिर प्रयास मेरा था कि सब लोग मिलके जब एक साथ लड़ेंगे तभी ठीक होगा। लेकिन जब वो एक हो गए तो आप हट गए? नहीं आप सुन तो लीजिए सर, जब वो गए अब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब पार्टी विलय कर लिया, उन्होंने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गए। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, कहें परिवार है भाई, तो हम के इसका मतलब कि आप लोग खाली एक ड्रामा दिखा रहे थे। अब वो वहाँ गए हैं, अब आज भी मैं कह रहा हूँ कि शरीर तो वहाँ है लेकिन दिल भाजपा में है। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी का शरीर वहां पर है, दिल भाजपा में है। भाई आज भी बंगला भाजपा ने दिया है, सिक्योरिटी भाजपा ने दिया है, और सदन में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में 27 बार अखिलेश जी और शिवपाल जी का नाम लिए, और शिवपाल जी से बार बार कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। आपको कुछ है इसमें योगदान कि उनको यहाँ पर लाना है? योगदान नहीं, हमारा योगदान नहीं, वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में। मैं हमारे जो एडिटर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा। हर्षवर्धन जी सवाल आपका। ओम प्रकाश, राजभर जी जब हम किसी नेता से बात करते हैं तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि सवाल खोजें, जब आप होते हैं तो लगता है कहाँ से कौन सा वाला सवाल पूछें। लेकिन हम शुरुआत जरा करते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने अभी बात बता दी, सब कहा कि इनका फोन आया था, उनका फोन आया था, एक लाइन का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। आपने अखिलेश यादव को अपमानित किया है या अखिलेश यादव आपको अपमानित कर रहे थे? देखिए अखिलेश यादव ने मुझे अपमानित किया। हम 3 उदाहरण दे रहे हैं, देश में समझौते होते हैं तो सीटें जो मिलती हैं पार्टियों को
वो अपने सिंबल पे लड़ते हैं, अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, पहला उन्होंने किया। दूसरा अपमानित किया समाज में, मुझे जूता मारा, 8 MLA वाले को राज्यसभा बनाया, समझौते वाले को, 6 MLA वाले को कुछ नहीं दिया। तीसरा मुझे अपमानित होना पड़ा आजमगढ़ बाई इलेक्शन में, 46-47 डिग्री टेम्परेचर में मैं 300 से ज़्यादा नेताओं को लेकर धरती पे काम कर रहा था, 6 बार फोन किया अखिलेश जी को कि हम 8-10 हज़ार वोट से हम हारने की स्थिति में हैं, तो हमसे कहते थे कि तुम ही राजनीति जानोगे, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। हमके मुलायम सिंह जी जब थे तो एक एक विधानसभा में मीटिंग किए थे, मैं उनके साथ था, और आप यहाँ आ जाओ खाली घूम जाओगे तो जो निराशा है कार्यकर्ताओं में वो उत्साह में बदल जाएगी, आशा में बदल जाएगी। जब वो नहीं आए हम लोग 10-10 हज़ार समथिंग वोट से हार गए, यही उनका कारण है। और उसके बाद हमने एक बात खाली कह दी थी जो सच्चाई, एसी से बाहर निकलो, ये उनको बहुत बुरा लगा कि हमको अपमानित कर रहा है एसी से बाहर। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी जो राजनीति करते हैं वो एसी के अंदर बैठ के करते हैं, जमीन पर नहीं जाते हैं? ये तो जग जाहिर है, तो जग जाहिर है, आप देखते जाइएगा ना 10 साल के अंदर एसी में राजनीति करने वालों का वही हाल होगा जो कांग्रेस का यूपी में हुआ, बसपा का एसी में बैठ के होने जो हुआ वही हाल सपा का होने जा रहा है। क्या जी इतना चिल्ला लें धरती पर, हम तो धरतिया पर घूमत भाई ने नहीं, लेकिन धरतिया पे हैं। तो एक सवाल आपका जुड़ा हुआ है, चूंकि इसी से अखिलेश ने आपको अपमानित किया, आपने उदाहरण दे दिया, अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आपने कहा कि भाजपा में जो पिछड़ी जाति का नेता होता है वो मोदी योगी का जूता साफ करता है, तो आप किसका जूता साफ करेंगे? फिर मैं कह रहा हूं, मैं जूता साफ करने नहीं आया हूं, ये चुनावी जुमला था जो मैं जो आप सुना रहे हैं, ये चुनावी जुमला था। ओम प्रकाश जी, जब से आप भाजपा के साथ गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आपके पुराने वायरल हो गए हैं। अब जैसे एक में किसी में आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा के लोग मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि मैं 500 करोड़ में बिका, 1000 करोड़ में बिका। मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि वो उनके दादा की हैसियत नहीं है कि मुझे वो लोग खरीद लें। अब लोग कह रहे हैं कि आप फिर वहाँ चले गए तो फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है क्या? दूसरी ये, जैसे आपने अभी घोसी में आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव को सैफई में पहुँचा दूंगा, इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा, और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। आप चाहे ऐसे नहीं, नहीं, आप बात करते नहीं, हैं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। जैसे इन्होंने कहा कि आप दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं, तो दुश्मन को दोस्त फिर कैसे बना लेते हैं आप, ये बताइए। आप जैसे आपके प्रश्नों का उत्तर जी जी आप खुद समझ सकते हैं जी, कि मैं बीजेपी के साथ NDA में शामिल हो गया, आप तो समझ गए। अगर कोई मुझे पैसा देता, हम 17 में गठबंधन किए, गठबंधन तोड़े, अगर कोई पैसा देता, एक कहावत है हमारे पूरब में, खाला मुंह लजाला आंख, पकड़ के गट्टा घींच के बैठा लेते, ठीक है ना? लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ जाता, जैसे भाई ने सवाल किया, एक शब्द भी मैंने नहीं कहा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, हम उस लड़ाई के लिए लड़ते हैं, उस बात को, जैसे हम तो उत्तर प्रदेश में हम ये खबर चला सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को लोकसभा की कोई सीट नहीं चाहिए बीजेपी से? नहीं, ये मैं नहीं कह, मैं ये नहीं, बिना शर्त गया हूं। इन्होंने ये भी कहा था ना कि अगर वो देंगे तो हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? अच्छा। जब सीट बंटवारा होगा, चुनाव की सूचना जारी होगी, तब अच्छा। सीट मांगा जाके पहले ही सवेरे मोबाइल संजय के यहाँ पर सब जानना चाहते हैं कि क्या योगी जी से दोस्ती हो गई है आपकी? अब ऑल इज वेल। नहीं, आप तो पता नहीं उनके लिए क्या क्या बोलते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिखाता हूं एक बयान, ये सवाल मेरा पूछने के पीछे का जो ध्येय था वो क्या था, दिखाइए जरा वो बयान, दिखाइए जो ओम प्रकाश जी का जो बयान था वो जरा एक बार दिखाइए। योगी बाबा जो हम पहले हुए सदन में काली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती।
अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही हैं आपके। बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। देखिए, जो एक सवाल है वो कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, लोग यकीन कैसे करें आप पर, मैं ये जानना चाहता हूं। एक साल पहले तक आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री। चलिए मुख्यमंत्री। अब आप कह रहे हैं उन्हें सैफई भेज के मानेंगे। देखिए, मैं उनके साथ था, जो ये बयान आप दिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने बयान स्वीकार करता हूं, मैंने दिया हूं, ऐसा नहीं। मैं जो बोलता हूं एकदम सीना ठोक के बोलता हूं। मैंने उनसे कहा कि आप कश्यप को पकड़ो, पाल को पकड़ो, प्रजापति को पकड़ो, साक सैनी माली कुशवाहा बारी बिहार बंजारा बहलिया को पकड़ो। इनका वोट एक एक विधानसभा में डेढ़ लाख सवा सवा लाख वोट है। एक भी टिकट राजनीति में भागीदारी नहीं दिया तो कैसे पहुंचाएंगे मंदिर में? आप बताइए, जब हम जिसके लिए लड़ रहे हैं आप उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रहे, वोट कैसे देगा आपको? वही दिया ना बयान। अब मुख्यमंत्री के सामने ना अखिलेश जी ने भी सदन में बोला तो ओम प्रकाश राजभर ने भी तो जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन शिवपाल जी आपके ऐसे ही बयानों का हवाला देकर कहते हैं कि वो बड़े हल्के आदमी हैं। भाई बिल्कुल हल्के हैं, लेकिन उनसे भारी हैं। उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने पार्टी बनाई। एक बयान मैंने उनका सुना था, उन्होंने कहा कि इनकी दुकान जो है, उपमा दिया था कि जब चुनाव आता है ये लोग दुकान खोलते हैं। तो शिवपाल जी भी तो दुकान खोले थे, पार्टी बना के दुकान खोले थे, लेकिन उनकी दुकान बंद हो गई, हमारी दुकान तो चल गई। अच्छा, मैं आप चलिए, आपने क्योंकि दुकान का जिक्र किया, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? सीधे सीधे मैं एक बयान दिखाता हूं, जरा दिखाइए, मैं एक बयान सुनाता हूं जनता के बीच, आप क्या कह रहे थे जरा, और ऑडियो ऑफ करिएगा स्टूडियो में, जरा लाउड करिए। देश में हमसे बड़ा गुंडा के है बोलो, कोई हल्का नहीं कर रहा। ओम प्रकाश राजभर दरबार करने आते हैं ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी दरबारी हैं, ये लोग हमको अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। सोच लो, नाम सुनने के बाद बड़े बड़े पहलवान कांप जाते हैं। ये बताइए ये क्या था? अब ये आप मुझे एक चीज समझाइए, आप इससे संदेश जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी से भी बड़े गुंडे हैं? अब आप नेता हैं या गुंडे हैं? देखिए, जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित शोषित हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जो सर नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब माइक पर बोलता हूं मैं, तो उनको लगता है कि हमारा नेता उससे बड़ा गुंडा है। नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए, उसका उत्तर भी आगे मैं बता देता हूं। आप पता करिएगा, मैं मंत्री था और मेरे चेंबर में, ऑफिस में मुख्तार अंसारी बैठे थे, गेट पर ब्रिजेश सिंह थे। आप पता कर लीजिएगा, मेरी बात गलत अगर साबित हो जाएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति छोड़। ठीक कहा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ये सब कह रहे हैं और योगी जी क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये उनकी यूएसपी है। माफिया आप कह रहे हैं कि माफिया आपके दरवाजे बैठते हैं। मुख्तार का बेटा आपकी पार्टी से विधायक है, जेल में है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे थे? मैंने कहा कि जब मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर था, विधायक तो अभी भी आपकी पार्टी से है ना, मुख्तार का बेटा। बात फिर वही आ गई, यही तो सवाल है कि उसको अखिलेश जी निर्दल लड़ाना चाहते तो समर्थन देना चाहते। सवाल ये है, लेकिन जब उन्होंने कहा, जब हमने जिद हमारी उनकी भी, नहीं हम अपनी पार्टी से कैंडिडेट देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी का सिंबल होगा, प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। राजभर जी, नहीं देख, अपराध मुक्त कैसे हो गए? मूल सवाल है, उनको अपनी पार्टी से निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अभी कोई सवाल है, लेकिन लेकिन राजभर जी देखिए, सवाल क्या है, हर्षवर्धन जी ये पूछ रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके दरबारी हैं, तो आपने योगी जी को बताया? क्योंकि वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। हमने रोका कहां? हमने रोका कहां, बताइए। लेकिन राजभर जी, आप अभी ये आज भी दरबारी हैं ये सब? आज भी दरबारी हैं ये सब? नहीं, अब नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी से याद आया कि उनका बेटा अब्बास अंसारी आपकी पार्टी से विधायक है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है, सिंबल हमारा था जब हमने अखिलेश। लेकिन अब क्या वो एनडीए में शामिल है? नहीं, आपके सिंबल पे ही जीता है। वो जेल में है, जीता तो आपके सिंबल पर। मैं फिर कह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है,
और सिंबल हमारा, चूंकि देखिए जो चीजें लेकिन पार्टी तो आपकी हुई ना, पार्टी तो आपकी हुई, मैं फिर मैं तो कह रहा हूं पार्टी है, छह विधायक हैं, मैं स्वीकार करता हूं, तो उसमें से एक वो भी है। हाँ बिल्कुल है, तो फिर वो भी आपका विधायक हुआ ना आपकी, बिल्कुल है, तो वो क्या एनडीए का हिस्सा है? नहीं, वो जेल में है। नहीं, जेल में रहने से क्या माफिया नहीं रहेगा? अरे पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई हो रही है, अदालत अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। राम कृपाल जी, ठीक है। ओम प्रकाश जी, आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप, जैसा आपने कहा कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर, लेकिन जितना आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जितना अपने सामाजिक दायरे में जमीन से जुड़े हुए हैं, उतना ही राजनीति में आप घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक पार्टी बदल के दूसरे में जाते हैं, तो क्या आपको यह लगता है कि वोटर भी नेताओं के बदलने से, आपके बदलने से बिल्कुल टोटल वो चला जाता है आपके साथ में? सपा बसपा से गठबंधन करती है, लत्तम जूता होता है, विधायक को लतियाए जाते हैं, घींचे जाते हैं, मारपीट होती है, पहली बार। दूसरी बार फिर समझौता होता है, फिर कांग्रेस से समझौता होता है, RJD से लोकदल से समझौता होता है, उनसे गठबंधन टूटा। बसपा करती है बीजेपी से, बसपा करती है सपा से, बसपा करती है कांग्रेस से, उन पे कोई सवाल नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अगर नहीं, कर, नहीं, नहीं आपने प्रश्न किया, वो करे तो रासलीला दिखता है, हम करे तो हमारा करेक्टर ढीला दिखता है। राजभर जी, पिछले चुनाव में आप एक गीत गा रहे थे, हाँ, जिनसे आप मिल के फिर बीजेपी ज्वाइन करने चले गए, साथ हो गए, मतलब बीजेपी के, क्या गाना था वो? योगी जी वाला याद नहीं आ रहा, जरा याद दिलाइए। चल सन्यासी वाला क्या था गाना? अरे तो मंदिर में नहीं, वो विधानसभा के अंदर नहीं सुना? नहीं, आप अखिलेश जी सुना रहे थे। अरे आप तो सुनाइए, योगी आप, जी के सामने अखिलेश जी आप सुना गाना रहे थे। गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, वो गाना गा के सुना दीजिए जरा उनको। नहीं, वो समय था जब मैं गाना गाया था, इस नाते गाया था चल सन्यासी मंदिर में, तो योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं मठ के, ठीक है, तो मैंने अखिलेश जी को समझाया था कि ये अगर काम कर दोगे आप, तो इनको हम लोग मंदिर में पहुंचा देंगे। वो पंकज जी कह रहे हैं वो गाना गुनगुना दीजिए, सुनाते ना आप कम से कम, आपके पास तो गानों के खजाना है। तो अखिलेश जी सुनाए खुद विधानसभा में योगी बाबा को, तो आप सुना सकते हैं, हम उनका भी सुना देंगे, आप भी सुना दीजिए सर। नहीं, मैंने दो जब वो सुनाए, हाँ, कि चल सन्यासी मंदिर में, तो मैंने भी सुनाया कि जब PDA आपने बनाया, जब सत्ता में थे तब PDA याद नहीं आया, और आज PDA याद आ रहा है सत्ता से बाहर होने के बाद, तो ये PDA के लोग आधे से ज़्यादा तो पहले से चले गए हैं BJP में, जो बचे कुचे थे अब वो ना गाना गाने लगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं यहां से सुना देता हूं कि अखिलेश जी की आपकी और अखिलेश जी की क्या बातचीत हुई थी विधानसभा में, प्ले ऑन करिए उसको जरा। एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको, जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। अब अखिलेश जी ने भी बोला है तो जरा उस गाने की दूसरी लाइन सुना दीजिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अभी सुनाई सुनेगा वो, सुनाएगा वो अभी। जब उन्होंने ये गाना योगी जी को सुनाया कि ये बोलते थे, तो मैंने उसी पर, उन्होंने खाली सिर्फ ये कहा कि गाना सुना दें, और कुछ बोलने की बात नहीं कही। तो आपने क्या क्या उसको जवाब दिया था उनको, कि उनको? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। ओम प्रकाश जी, ये जो आपने कहा कि चुनाव के समय बात अलग होती है, तो आप जो अभी बोल रहे हैं और जो चुनाव के समय जो वादे करते हैं, हर पार्टी वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वोटरों के लिए, तो माना जाए कि वो आपका सिर्फ चुनावी भाषण होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अब राजनीति में अवसरवादिता है जी, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं हम 100% नेता लोग दुमुहिया साफ हो गए हैं, हम खुलेआम कहते, मैं भी हूँ, सब लोग हैं जी। किसी एक नेता का नाम बताइए, हम उसका पूरा बता दें जी, जी। हर लोग यही कर रहे हैं, कैसे अवसर मिले हम मंत्री बन जाएं, हम सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, जनता भाड़ में जाए।
यही चल रहा है इस समय। अभी 2022 में आपने कहा था, एक वायर को इंटरव्यू दिया था, कि मैं हिंदू नहीं हूं और मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा। मैं पहले इंसान हूं, तब उसके बाद तब हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन एनडीए में न जाने के भी आपने बात करी थी, मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि नेता लोग दो मुहिया साफ होते हैं। लेकिन ये आप भी तो नेता है, खुद ही कह रहे हैं, अपने कह रहे हैं। शायद आपको ऐसा मिलेगा, पहला नेता ओम प्रकाश राजभर मिलेगा जो ये कह रहा हो सही बात साफ। राजभर जी क्या कह रहा है कि नेता दो मुहिया साफ होते हैं? दूंगा साफ कह रहे हैं भाई, वो तो खैर पहले ही कह चुके हैं कि वो तो खुद ही कह लिए। राजभर जी दो सवाल हैं। आप अभी कहे कि नेता लोग दो मुहा साफ होते हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेके सब नेता को आपने कहा, कभी मायावती जी के बारे में आप इस तरह की बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते, कब की आपने बताइए जब। देखिए मायावती जी जब कोई सवाल करे तब ना बता। नहीं नहीं आप तो हमेशा उनकी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं तारीफ। देखिए एक गाना होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। समझाइए तो जरा। अच्छा ठीक है, अब मैं आपके पास एक यहां पर प्ले कार्ड है, देखिए ये रखा है आपके पास, यस और नो। मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में आपके ऐसे कौन से बयान थे जिन पर आप अभी भी टिके हुए हैं? मैं आपको आपके ही कुछ बयान बताता हूं, आप इस यस या नो के साथ बताइएगा कि आप इस बयान के साथ हैं या नहीं। मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यस या नो? कि मैं मान्यवर कांसीराम जी का चेला हूं, कांसीराम जी के साथ काम किया हूं, कांसीराम जी का कहना था कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग बन चुका है तो दलित का भी बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप देखिए इसमें यस या नो बताना है, आप बताइए सहमत है या नहीं है। देखिए 2024 तक तो नहीं है। यस या नो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? यस या नो, 2024 तक तो बनना नहीं है, क्लियर कट बता रहा हूं। नहीं तो फिर आप इसको नो बोल रहे हैं अभी, अब जो समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, अब निकल नहीं बोल रहे, पहली बार सीधे नहीं बोल रहे अभी तक तो बहुत स्पष्ट। अभी तक हाँ, अभी पहली बार सीधे नहीं बोल रहे। लेकिन अगला बयान आपका, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पॉपुलर हुए हैं, अब सत्ता में आ सकते हैं, यस या नो? ये आपका बयान है? नहीं, बयान मेरा सत्ता में आ सकते हैं वो संगठन पे काम करें धरातल पे तब, यस या नो? नो। तो नो दिखा दीजिए एक बार जरा, नो दिखा दीजिए वहां पे, इसको ऐसे पलट के नो दिखा दीजिए, ये नहीं 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 इस तरफ ऐसे करके नो, इस तरह हाँ, ये सामने कैमरा पे नो गया, ठीक है। अब अगला सवाल, बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है, मैं फिर से इसको बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया सवाल, बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है उतने की तो हमारे बिरादर 1 महीने में दारू पी जाते हैं, जितनी यस या नो? जितनी यस या नो, सरकारी दुकानें खुली हैं गरीबों के बस्ती में, एक भी दुकान अमीर के बस्ती में नहीं है, यस या नो? राजभर जी यस या नो, इसको दिखाइए, यस तो दिखा दीजिए सामने, यस ओके ठीक है ठीक है। अब अगला सवाल आपसे, अगला आपका बयान, बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इसका सेंटर नागपुर में है, यस या नो? ये चुनावी जुमला है। अच्छा तो नो, नो मान के चलूं मैं इसको, तो मैं नो मान के चलूं? नो मान के चलूं तो सामने, तो ठीक है, तो आप अपने बयान से पलट चुके हैं, मतलब ये चुनावी जुमला था? हां बिल्कुल पलट गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब हम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा जी वो दिख रहा है मुझे, एक जगह बस आपने, बस एक जगह आपने अभी तक थोड़ा सा डक किया है बॉल को, वो मुझे दिख गया। बीजेपी में जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, ये हर्षवर्धन जी ने पूछा था वैसे आपसे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं, आप सहमत हैं असहमत हैं? देखिए जब विपक्ष में नेता होता है तो एक दूसरे की शिकायत करता है। नहीं लेकिन अब आप मुझे बताइए हाँ या ना, हाँ या ना? देखिए आप जिस घर में हैं तब उस घर में कैसे हम नो करेंगे? तो हाँ बोल रहे हैं, नहीं आप नो कह रहे हैं ना, मतलब करती है नहीं करते? मेरा सवाल ये था कि बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं पिछड़ी जाति के नेता, बीजेपी के जितने भी पिछड़ी जाति के नेता, इसमें यस या नो? नहीं नो। नो ठीक, नो आप कह रहे हैं इसको, ओके। आप मतलब आपने अपने सारे बयान से पलट चुके हैं, बस एक मायावती जी वाला बयान आपने डक कर दिया है। खैर अब आपके एक पुराने दोस्त हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, यहीं पर इसी चेयर पर
हमारे एडिटर्स के साथ वो बैठे थे, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, फिर बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, ज्ञानवापी जैसे मंदिरों को बौद्ध मठ बताया। अब कहने की देश में 20,000 मंदिर हैं जो बौद्ध मठ तोड़कर बनाए गए। ये प्ले कार्ड आप रख सकते हैं। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे, तब ना इनको बौद्ध मंदिर याद आया, ना इनको रामचरितमानस की चौपाई याद आई। ये सत्ता से बाहर आने के बाद तब इनको ये चीज़ें याद आई। 5 साल लगातार बीजेपी में थे, तब इनकी जबान नहीं खुली कि रामचरितमानस में ये चौपाई गलत है और यहाँ मंदिर तोड़ करके बौद्ध मंदिर बनाया गया, एक भी बार तो बयान नहीं दिया। ये सत्ता से बाहर आने के लिए ये जिम्मा लिए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुँचा देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। कि आपकी और इनकी इतनी तनातनी की वजह क्या है? आप उन्हें भगोड़ा कह रहे हैं, वो आपको दगा कारतूस कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़े वो भी चुनाव लड़े और उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी गाड़ी उड़ी तोड़ ताड़ करके मुकदमा भी लिखा गया है, वापस कर दिया। ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ा और हम लगभग 50,000 से जीत के आए, तो अब दोनों में बता दीजिए कि दगा हुआ कारतूस कौन है। नहीं तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सही है कि वो भी इस तरफ आना चाहते हैं या आ सकते हैं, ऐसी खबरें भी चलती हैं? दरवाजा बंद हो, नहीं तो वो कहिए आएगा होता ना। मतलब वो आना चाहते हैं, दरवाजा बंद है। बस दरवाजा बंद है। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी, जी जी छोटा राजभर जी, एक आप जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का पूरा हिस्सा है और बिहार की काफी सीटों पर आपका प्रभाव है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2024 में इन दोनों राज्यों में एनडीए को आप कहां देखते हैं सीट वाइज? देखिए यूपी, हम यूपी की बात शुरू करें, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। हाँ। पिछले चुनाव में सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े तो 64 सीटें बीजेपी जीती। हाँ, 6 सीटें जहां हमारा प्रभाव है, 6 सीटें बीजेपी हार गई थी, तो वो 6 सीटें 64 में और जोड़ दीजिए, 70 हो गई। 70, हाँ। अब इधर बचती है 10 सीटें, फिर दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, इधर भी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। पिछला वोट देख लीजिए, 1 भी सीट जीतने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। कांग्रेस जो सीट जीती थी, बसपा और सपा दोनों ने समर्थन किया था, तब वो सीट जीती गई थी। तो उत्तर प्रदेश में तो संभावना नहीं है, बिहार में हम भी दाव लगा रहे हैं। अभी कल मैं था सिवान में एक कार्यक्रम में, करीब 5-6 हजार लोग अपने से आते हैं। तो बिहार में भी जो समीकरण बन रहा है, जैसे जीतनराम मांझी जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, हम हो गए, उसके बाद चिराग पासवान हो गए भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथी जो एनडीए में हैं, वो एक दिलचस्प लड़ाई। हाँ ये जरूर है कि जो 39 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80-0 और बिहार में 40-0 होगा? नहीं, बिहार में अभी हम कन्फर्म नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80-0 कन्फर्म है। 80-0। राजभर जी, आप जो कह रहे हैं कि मैं इधर चला जाता हूं तो उधर बढ़ जाता है, उधर चला जाता हूं तो उधर बढ़ जाता है, आप इतने बढ़े हुए वाले लोग हैं, तो इतने साल से आप राजनीति में हैं, पार्टी थी आपकी, आप तो पहली बार जब बीजेपी में 2017 में आए तब जाके आप विधायक बने, आपकी पार्टी को लोगों ने जाना। ये मानव, मैं आपको बता दूं, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। पार्टियां जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, सब काम खेल हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में ना शिक्षा था, ना स्वास्थ्य के विषय में जानकारी थी, ना रोजगार था, ना नौकरी था, शून्य स्थिति में थे। उनको हम जागृत करने में लगे, उनमें राजनीतिक पहले चेतना जगाया, शिक्षा के प्रति जागृत किया, सामाजिक जीवन जीने के लिए हम लंबे समय तक उनके बीच में काम किए। जब उनको लगा, हमको लगा कि नहीं अब इनको राजनीति में ले आना चाहिए, इनको अब शिक्षा की तरफ बढ़ाना चाहिए, आप पता करा लीजिएगा, सर्वे करा लीजिएगा 28 जिले का, मैं बता रहा हूँ 28 जिले में आज के तारीख में, आज के 20 साल पहले वो शिक्षा में अगर 1% थे तो आज 95% हो गए हैं। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भाजपा के जो राजभर नेता हैं, अब मैं नहीं जानता कि आपकी हरनारायण राजभर जी से कब भेंट हुई थी, तो जरा अभी भेंट हुई है, अभी पूछूं, अभी 18 तारीख को भेंट, कई तारीख को कार्यक्रम था,
तो हो गई भेंट। हाँ, मंच पर बुलाकर स्वागत करा दिया। उन्होंने एक बात कही थी और मुझे ये कहते हुए थोड़ा हम लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप तो कहते हैं तो ठीक लगता है। उन्होंने कहा अगर बीजेपी में आ गए ओम प्रकाश राजभर तो जूते से मारूंगा। बिल्कुल कहा था, लेकिन कहा था, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, कहा था। अब मैं, हमारे जितने भी यहाँ पर ऑडियंस है, अब ओम प्रकाश जी एक बड़ा रोचक राउंड है जी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको एक पिक करनी जरूर है। और क्या आप सभी लोग रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, आर यू रेडी ऑर नॉट? जोरदार तालियां हो जाएं रैपिड फायर राउंड के लिए। बस ओम प्रकाश जी, शर्त यह है कि बस तस्वीर चुननी है, बोलना नहीं है। हमारा जो पहला सवाल है, आइए जरा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, जोरदार तालियां हो जाए, जरा प्ले ऑन करिए। पहला सवाल यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या मायावती जी? एक समय था मायावती जी थी, आज योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोनों में से बेहतर कौन? अब आज के हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी बेहतर है। ठीक है, अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जरा प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल, जरा दिखाइए, जरा अगला सवाल है, बेहतर नेता कौन, शिवपाल यादव जी या अखिलेश यादव जी? शिवपाल यादव जी। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल है, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? मुझे पता नहीं। मैं बता देता हूं आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनाइए और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा जरा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। अब जरा फिर से सवाल में लेके आ रहा हूं, फिर से दिखाइए वो सवाल, वो मेरा सवाल जो था। अब देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा राजभर जी, आजादी की लड़ाई के नायक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? देखिए, लड़ाई में दोनों लोग शामिल थे और दोनों लोगों की मिली भगत से बंटवारा हुआ। ठीक है, लेकिन बेहतर नायक, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आजादी की लड़ाई का नायक कौन है? देखिए, देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, अब जोरदार तालियों से अगला सवाल प्ले ऑन करिए सर। हमारा अगला सवाल है, विचारधारा का पक्का कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी या ओपी राजभर जी? नहीं, नीतीश कुमार, उन्हीं की कैटेगरी में राजभर भी हैं। लेकिन ये तो इंडिया में है, ये तो इंडिया में है, और उनको सबसे बड़ा पलटी बात बोलते हैं। सवाल आपका है, हाँ, जिस कैटेगरी में नीतीश कुमार जी हैं उसी कैटेगरी में ओपी राजभर भी हैं। लेकिन ओपी राजभर अभी एनडीए में ही है ना, इंडिया का तो इरादा नहीं है। इंडिया का इरादा तो नहीं है आपका? वहां कुछ है या नहीं है, वहां सूखा भात है। अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल, ओपी राजभर जी का दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त बताइए, सबसे अच्छा दोस्त, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी? देखिए, जब मैं बसपा में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, तब से हमारा इनका संबंध है। ठीक है, जोरदार तालियों के मैं आपने जिस बेबाकी से जवाब दिए, वाकई में एक बार फिर से इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन अब मेरा सवाल है, आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहते थे कि उनका हश्र वो गुरमीत राम रहीम की तरह होगा, आप अब एनडीए में हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को आप मानने लगे हैं? नहीं, देखिए, चमत्कार, ये जादूगर भी दिखाते हैं चमत्कार, अब उनके चमत्कार को देखिए और बाबा के चमत्कार को देखिए, तो दोनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो वो फिर सिर्फ मदारी टाइप जादूगर हैं या कुछ वाकई में हैं? अब वो अपने हिसाब से, जनता का विश्वास है वो अपने हिसाब से, लेकिन मैंने देखा कि जो जादूगर हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े प्रिय दिखते हैं वो। प्रिय तो बहुत लोग हैं, जादूगर भी प्रिय हैं। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप सहमत हैं उससे? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम इस देश में मानवता की बात करते हैं, सबको शिक्षा एक समान हो जाए, फ्री हो जाए, अनिवार्य हो जाए, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई मिलने लगे, हम इसके लिए लड़ते हैं।
ना हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ना मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने देखा कि गोरखपुर में आप दिनेश लाल नरोवा जो हैं उनके साथ हाथ में हाथ डालकर आप लोग खड़े हुए थे, वो तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ यहाँ जरा, पर वो तस्वीर एक बार दिखाइए जरा। अभी साहब मंच पे थे। हाँ हाँ अभी मंच पे थे आप, ये देखिए अब आपकी इनसे दोस्ती हो गई, ये आप ही हैं। इसी वाले में देखिएगा वो है हरिनारायण जी, इसी मंच पे थे। अच्छा ये निरुआ की मैं बात कर रहा हूँ, आप हाथ पकड़ के खड़े, दोस्ती हो गई? जब ये गोल में आ गए तो दोस्ती का नहीं होगी। मैं आपको एक आपका एक बयान सुना देता हूँ, जरा प्ले ऑन करिए उसको। जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, नाचनिया पदनियम का बात करते हैं। आप उनको नाचनिया पजनिया बोलते थे? आप बोले हैं आजमगढ़ चुनाव में, बोले हैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन के चुनाव में वो लड़ रहे थे, हम अपना प्रत्याशी लड़ा रहे थे धर्मेंद्र यादव को, तो उसमें ये जनता को जुमला सुना रहे थे कि भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, निरहुआ कैसे नेता है? भाई देखिए अब स्थिति है कि कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की, एक कहावत है। अब पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं, अब वो लोग आ रहे हैं दाव लगा करके, वोट कैसे मिल जाए, वोट कैसे मिल जाए, इनको दिखा के वोट मिल जाए, बस इतना है। आपका एक और बयान मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं कि सिर्फ जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और राजभर जी को साथ ले आए, फिर उम्मीदवारों को सिर्फ पर्चा भरने की जरूरत होगी, प्रचार करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं, मायावती जी को भी साथ, तो फिर जीत पक्की है? क्या बयान क्या है बताइए जरा। नहीं देखिए, मायावती जी, जयंत जी, ओम प्रकाश, राजभर, अखिलेश, कांग्रेस, मतलब विपक्षी एकता की बात मैंने, जब मेरा मैं एनडीए में शामिल नहीं हुआ था तब मैंने कहा था, जैसा भाई ने कहा ना कि मायावती जी के संबंध में, तो मैं प्रधानमंत्री, मैंने ये कहा था पटना जब बैठक हुई, तो मैंने कहा था, सवाल आया मेरे सामने कि आपको नहीं बुलाया गया, अभी भी विपक्ष में है। मैंने कहा कि जितने लोग वहाँ जुटे हैं वो मोर्चा तभी सफल होगा, उसमें मायावती जी को ले लें, जयंत जी को ले लें, हमको ले लें, तो उत्तर प्रदेश में फिर लड़ाई ना। क्या मायावती जी और अखिलेश जी कभी साथ आ सकते हैं? आ सकते, पहले आए थे, मैं आगे की फ्यूचर की बात आ सकते हैं। देखिए राजनीति में आ सकते हैं, सब संभव है। 2 जून की घटना के बाद कोई मानता था कि समझौता होगा दोनों लोगों में, 36 का आंकड़ा था, लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ जब दोनों लोग मंच पे आ गए, मुलायम सिंह जी बैठे थे, अखिलेश जी, डिंपल, सब लोग एक मंच, मायावती बैठी थी। नहीं मैं आगे की बात कर रहा हूँ, पहले का पता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है, हम तो देख रहे हैं जुमलों की राजनीति है। नीतीश जी को, जैसे आपने सवाल के नीतीश जी को देखिए, इसका मतलब कि आपकी और अखिलेश यादव की फिर से एकता हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन, क्लियर कट बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अब दिनों दिन समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है, आप माने ना माने। देखिए सच्चाई ये है कि जिस तरह की तानाशाही, गुंडा कर दी, गरीबों के जमीन हड़पना, गरीबों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करना, इससे जो है समाजवादी पार्टी से अदर जातियां नाराज होकर के बड़ी संख्या में, जैसे आपने कहा ना कि बीजेपी के साथ चली गई, यही वजह है 19 साल के शासन में नाराज होकर के लोग इधर चले गए, अब उनको कैसे ले आएंगे ये लोग। लेकिन एक बात बताइए, आप सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी जी, अब कहां उनका गुंडई जो आप कह रहे हैं, अब कहां उनकी गुंडई की दबंगई? अभी कल की घटना मैं बता दूं, कल की घटना बता दूं, जी। कल उन लोगों ने कम से कम 200 लोगों को मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया, सपा वालों ने बेशक मुकदमा लिखा गया, कल मुकदमा नहीं लिखा जाता था, जब उनकी सरकार रहती थी तो मुकदमा नहीं लिखा जाता था, इस सरकार में मुकदमा लिख दिया गया और गिरफ्तारी हो गई। नहीं लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिले का सर्वे करेंगे तो आज के भी तारीख में हाँ गिरावट हुई है। और वो भी ओबीसी समाज के नेता हैं समाजवादी पार्टी में, आखिर यादव ओबीसी समाज के नेता नहीं है तो आपको यादव समाज के नेता तो यादव को आप ओबीसी नहीं मानेंगे? नहीं मानते, लेकिन यादव के नेता है। यहाँ भी तो रामाचल राजभर है, लालजी वर्मा है, सारे लोग तो है वहां पर भी, वो अपन MLA बने गल हुआ कि उनके औकात था, अखिलेश जी के सामने पुलिस का भर्ती हो रही थी, मैं गवाह हूँ, हमारे साथ पढ़ा था वो सांसद तूफानी सरोज, मैं लेके गया 4 लोगों को खाली भर्ती करानी थी, शिवपाल जी से कहा, वो सूची बना के लेके गया, शिवपाल जी ने
फार करके उसके मुंह पर फेंक दिया कि वोट देगा यादव, वही सत्यनारायण भगवान की प्रसादी की तरह लिख के लेके आए हो, जाओ यादव की सूची बना के ले आओ। आप चलिए किसी थाने में यूपी में, हर थाने में आपको 8-10-6 सिपाही यादव का मिलेगा। वोट देगा मुसलमान, जुल्हा, दुनिया सारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, कितना बनाया उन्होंने? ठीक है, राजभर ने वोट नहीं दिया, पाल प्रजापति कुमार ने नहीं दिया, कितना बनाया उन्होंने? क्या हिस्सेदारी दिया हमको? क्यों रहेगा उनके साथ कोई? नहीं, वोट नहीं देगा तो भी हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं दिया हमको? वो तो सवाल यही खड़ा हो गया है आज, जो हमारा उनका तनी तना हो रही है इसी बात को। बात बताइए, ओवैसी साहब आपसे बड़े नाराज हैं। हमसे? यूपी चुनाव में आपने ओवैसी को बहुत चक्कर लगवाए और बाद में धोखा दे दिया, वो ये कहते हैं। नहीं, हमने चक्कर लगवाया उनसे, हमारी और आप बैठक करा दीजिए तो आपको मालूम हो जाए कि हमारी उनकी कितनी बड़ी दोस्ती है। आपका ही बयान था जो अभी आपने थोड़ा कहा कि सारे नेता दो मुंह साफ होते हैं, आपने अभी कहा ये बात। मैं खुद स्वीकार करता हूं। आपके हिसाब से देश के कौन कौन से नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? दावेदार तो बहुत लोग थे लेकिन अब कोई रह नहीं गया। अब कोई नहीं। कोई है नहीं, सही बात है, ताकतें नहीं रह गई। मोदी जी तो वो तो है ही हैं प्रधानमंत्री, फिर बनबे करेंगे, लेकिन आगे कोई नहीं है टक्कर में। अब आगे टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा कौन। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से, वो जो आपके पास नो, यस और नो है, वो वाला प्ले कार्ड रखा है सामने कैमरा पे, आपको दिखाना होगा। ये हमारे शो का लास्ट रैपिड फायर राउंड है, वहां पे सवाल आएगा, आपको जवाब में यस या नो कहना है। ये है, नहीं देना है तब तो आप बीच में ऐसे कर दीजिएगा, यस आएगा यहाँ पर, नो आएगा ऐसे। आप जो अभी तक निकल गई तो ये भी दे डालिए, लेकिन अब जरा जोरदार तालियां हो जाए इस रैपिड फायर राउंड के लिए। मेरा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल जो है, प्ले ऑन करिए इसको ओम प्रकाश जी, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, यस या नो? देखिए, हम उसके पक्षधर, हमारी पार्टी का मानना है कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा यहां पर। मुख्तार अंसारी खतरनाक अपराधी है, यस या नो? ये अदालत का विषय है, हम नहीं कह सकते किसी को खतरनाक और सीधा। अगला सवाल प्ले ऑन करिए, सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार, प्ले ऑन करिए अगला सवाल। अब ये सवाल जो है, अब आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए, यस या नो? ये बीजेपी को हराने के काम करते हैं, मुख्यमंत्री बनने का कहां करते हैं। जरा जोरदार तालियां हो जाए अगले सवाल के लिए, प्ले ऑन करिए। अगला सवाल है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग सही है, यस या नो? उनके हिसाब से सही है। यस और नो में दिखाइए सर, आपके सामने यस है और नो है, एकदम आपके हिसाब से एकदम सही है। अच्छा ठीक है, मैं दिखा रहा एकदम सही है, दरअसल कुछ दिखाना नहीं। अच्छा, अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए हमारा अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर में सभी जातियों के पुजारी होने चाहिए, यस या नो? यस।